नीट रिजल्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद हल होने के बजाय गहराता जा रहा है। इस बीच नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इधर एनटीए की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि कोर्ट 3 याचिकाओं पर विचार कर रहा है जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों को लॉस ऑफ टाइम के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने को लेकर नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को चुनौती दी गई है। इनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की है कि आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है? और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अलक पांडे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये माना कि जिस तरह से नीट छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो गलत था, लेकिन अलक पांडे इससे आगे के गंभीर सवाल उठाते हैं। कहा कि आज पहली बार हुआ है कि एनटीए की गलती सामने आई है, न जाने और कौन कौन सी चोरी है जो एनटीए छिपा रही है। पॉइंट्स है मेरे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्परेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719-720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। अब पूरा विवाद क्या है ये समझ लीजिए। 4 जून को नीट परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, इसमें 67 छात्रों को प्रथम रैंक मिली। वहीं एक ही परीक्षा केंद्र से 6 टॉपर निकले। यही नहीं, कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर 718 और 719 अंक दिए गए। इस तरह की कई गड़बड़ी सामने आई। परिणाम आने के बाद से ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जाने लगी। धीरे धीरे इस मांग ने जमीनी रूप ले लिया और जयपुर, लखनऊ, पटना, दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्र प्रोटेस्ट करने उतरे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम अदालत में मामला पहुंचा।